محمد نستعينه ونستغفره وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
لك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرزيا صدق سامعین محترم حاضرین محتشم اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جا سکون ایمان غم خارے آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیاں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے دل و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ الصلات والسلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین برادران اسلام خواتین و حضرات
जिन अयाम दे विचों असी गुजर रहे हैं हदीसे मुबारका दे तनाजुर दे विच इस साल दे बेहतरीन अयाम ने। इना दिना दे विच कीता जाने वाला हर अमल अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर बड़ा महबूब और मकबूल हुंदा है। मेरे भाइयो, इन अयाम दी फजीलत दा अंदाजा इस बात तो भी बखूबी लगाया जा सकता है कि कई इबादत दा मजमुआ इन अयाम दे विच देखने नू नजर आउंदा है। तकबीरात, तस्बीह ओ तहलील, मालिकुल मुल्क दी तारीफ और हमद, नफलो नवाफिल, तिलावते कुरान, इस दिन नौ दिना दे रोजे और जिन्हां नू अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाई वो अज अरफात दे मैदान दे विच फकीर बन के अल्लाह दे दवारे ते जमा हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह आउंदे साल सानू सारिआं नू हज्जे बैतुल्ला दे मौका ते इकट्ठा फरमा लैन। हज जैसी अजीम इबादत और सारी इबादत दे नाल कुर्बानी जैसा अजीम अमल ए दस अयाम ने जिन्हां दे विच अल्लाह पाक अपने बंदियां नू हर किस्म दी नेकी दा मौका नसीब फरमांदे ने। और जदों तस्किरा कुर्बानी दा आए तो बेसाख्ता नजरां दे सामने हजरत इब्राहिम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दा तस्किरा आ जांदा है। कुर्बानी इस्लाम दे शियार दे विचों एक अजीम निशानी भी है और कुर्बानी इस बात की यादगार और कुर्बानी इस बात की याद दहानी का सबब है कि अल्लाह की राह दे अंदर रब दे हुक्म ते अगर बेटे दे गले ते छुरी भी चलानी पे ते रब वाले उहदे तो गुरेज नहीं करदे। मैं इंशाअल्लाहुर्रहमान अज अठ ज़िलहज्जा और अठ जुलाई दे इस अजीम शान खुतबाए जुमा दे अंदर अल्लाहुर्रहमान दी अता करदा हिम्मत और तौफीक और अपने बुजुर्ग माँ बाप दियां दुआवां दे तोफैल उसे अजीम हस्ती दा तस्किरा करना चाहना कि जिन्हां दी याद दे विच असी और तुसी परसों ईद उल अजहा वाले दिन अपनियां कुर्बानियां कुर्बान करन वाले हैं। कौन? सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां नू ज़बीहुल्लाह भी कहा गया है। इब्तिदा दे विच तारफ नोट फरमा लेना, कौन इस्माइल अलैहिस्सलाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे सैयदना शीस अलैहिस्सलाम गुजरे ने। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दे बेटे अनोश
अनोश दे बेटे कैनन, कैनन दे बेटे महलाबील, महलाबील दे बेटे यरद, यरद दे बेटे खनूख, खनूख दे बेटे मुताशलख, मतोशलख दे बेटे लामिक, लामिक दे बेटे सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे ने। जनाब नूह अलैहिस्सलाम दा एक बेटा साम, साम दा बेटा अरफखश्त, अरफखश्त दा बेटा शाले, शाले दा बेटा आबिर, आबिर दा बेटा फाले, फाले दा बेटा रघू, रघू दा बेटा सारूग, सारूग दा बेटा नहूर, नहूर दा बेटा आजिर, आजिर दे बेटे हजरत इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान पाक पढ़िए ना, ते कम अज कम 12 मुकामात ऐसे ने कि जिन्ना दे अंदर रबुल आलमीन ने इस सआदत वाले बेटे दा नाम लेके तस्कीरा फरमाया है। 12 मरतबा कुरान पाक दे विच इस्माइल, इस्माइल दी सदा सुनाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन? बाप भी अजीम है ते बेटा भी अजीम है। बाप नू रब ने खलील उर रहमान बना दिता ते बेटे नू ज़बीहुर रहमान बना दिता है। बाप अंबिया दा सरदार और जद्दुल अंबिया दे मकाम ते फायद होया, और बेटे इस्माइल नू ए मकाम मिलिया के रब ने इस्माइल दी लड़ी चो सोने मुहम्मद नू पैदा फरमा दिता है। कहो सल्लल्लाहो हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम। मैं इंशाअल्लाहुर रहमान आज दे खुतबा जुमा दे अंदर एक सवाल बार बार दोहराने वाला, अल्लाह दी तौफीक दे नाल के कुर्बानी दा तस्कीरा भी करने आ, कुर्बानियां भी करने आ। कदे सोचे जे इकबाल ने आज तो कई साल पहले एक फिकर दिता सी के वो मकतब की करामत थी के फैजा ने नजर सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। अलबिया ए है के कुर्बानी और कुर्बानी दा जानवर ते याद रह गया, लेकिन वो गुफ्तगू भुल गई जेड़ी बाप ते बेटे दे दरमियान होई, और वो जज्बा भुल गया जेड़ा कुर्बानी वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने मुरहमत फरमाया। सुनिए अल्लाह पाक दा कुरान, कौन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह करीम हुक्म फरमा रहे ने कि मेरी किताब दे विच मेरे इस्माइल दा तस्किरा फरमा देना। लिखिया किथे? पारा 16 ते सूरत दा नाम सूरे मरियम है। परवानियो बड़ी मोहब्बत दे नाल कुरान पाक सुन दे जाना। आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने वाज़कुर फिल किताबे इस्माइल, वाज़कुर फिल किताबे इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वाद व काना रसूलन नबिया व काना यौमर अलौ बिस्सलाति व ज़कात व काना इंदा रब्बी मरजिया।
ترجمہ پروانے او نوٹ فرما لینا او کنے مقدرہ والے نے کہ جنہ دے تذکرے دا حکم رب العالمین فرما رہے نے اللہ فرمان دے نے وذکر فی الکتاب اسماعیل کتاب دے اندر میرے اسماعیل دا تذکرہ بھی فرما دیو انہو کان سوندی کلواند نبی اسماعیل اپنے وعدیاں سچا کرنے والا وکان رسول نبی تے اسماعیل نو اسی اپنا پیغمبر تے رسول بھی بنایا وکان یامر اہل بسلاتی و زکات تے نبی اسماعیل اپنے گھر والیاں نماز دا آرڈر کرنے والے زکات دا حکم کرنے والے وکان عند ربی مرضیہ تے اسماعیل اپنے رب دی رضا والے کم کرن والے کون باپ وی عظیم تے بیٹا وی عظیم آ لوگو اے عظمتاں ملیاں کیویں مقام کیویں نصیب ہوئے آئیے میں تھوڑا جیا پیچھے لے جا پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب العالمین دے حکم تے جدو اگ دے وچوں بچا لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اور بتوں والے معاملے دے وچ اللہ پاک نے مبرہ فرما دیتا اور کام والے آنو اللہ پاک دی توحید اعلان کر کے سنانے والے جدو اینا دے ظلم و ستم تو تنگ آ گئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک التجا اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندر کیتی کہ جس قوم نو میرے واسطے نصیحت دا اثر نہیں اور جڑی قوم دی مقدر تے نصیب دے وچ ہدایت نہیں میں اس علاقے نو اللہ پاک دے حکم دے نال چھوڑ کے ہجرت دا راہ اختیار کر کے جا رہا قرآن میں تیری عظمت تو قربان جا تے لکھ جان ہوئے تے میں قرآن دی مٹھاس تو کول کماواں اے پروانیوں پارا 23واں نکل آیا تے سورت دا نام سورت الصافات رب العالمین نے اپنے خلیل دا تذکرہ ان الفاظ سے نال فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من صالحین فبشرناہ بغلام حلیم قوم والیاں دے ظلم و ستم قوم والیاں دیاں نافرمانیاں تو جناب خلیل الرحمن علیہ السلام جدو اللہ پاک دے حکم تے انہاں نو چھوڑ کے تے ہجرت فرما رہنے وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین نالے اللہ پاک دی راہ دے وچ ہجرت فرما رہنے آ لوگو ہجرت اللہ ذوالجلال دی رضا دے واسطے ہوئے اے بڑا عظیم عمل ہے بڑا عظیم کم ہے تے جنہ کم عظیم ہے انہاں نبی دا دکھڑا وی عظیم ہے تے انیاں کمیاں محرومیاں عظیم نے انی عمر دے پند گزر گئے اج تک اللہ ذوالجلال نے اپنے خلیل نو اولاد جیسی نعمت دے نال نہیں نوازیا اے یار اے تے او دیاں مرضیاں نے عطا کرن تے آئے تے اپنے نافرمانا نو پتراں دیاں فوجاں عطا فرما دے تے نا عطا کرن تے آئے تے اپنے نبیاں نو سسک دیا روم دیا ورے آن دے ورے گزار دے کونے جڑا علا کل شی
मुबीन कदीर नु पुछने वाला। और गल मौलना बड़ी प्यारी लिखी आंदन किते पुत्र निरे आतांदानी। दुआ फरमाओ जेड़े बे औलाद ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उन्हां दियां झोलियां खैर दे नाल भर देन। मेरे आ मालिका मेरे मजमे दे अंदर और जिथों तक पूरी दुनिया ते मैनू देखिया सुनिया जा रहा है अल्लाह जेड़े जेड़े बे औलाद ने अपनी रहमत दे नाल नेक बेटे नसीब फरमा दे। आकिते पुत्र निरे आतांदानी किते तियाँ दिती जांदानी किते रलवी बारिश पांदानी ते कईयां लई इनकार नी एक दिन मर जाएंगी। अल्लाह बाजना गैर पुकार नी एक दिन मर जाएंगी। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी उम्र इन्नी गुजर गई है ते रब्बुल आलमीन ने औलाद दी नेमतों सरफराज नहीं फरमाया ते दुआ कर देने अल्लाह जुल जलाल दी राह दे अंदर नाले मेरे खलील हिजरत फरमा के जा रहे ने ते नाल दुआ कर देने रब्बे हबली। बे औलादे हो ए वजीफा कुरान पाक वाला नोट फरमा के ले जाना रब्बे हबली रब्बे हबली रब्बे हबली में नस्वाली। अल्लाह कल्ला ते रुख भी चंगा नहीं होता ए मेरे अल्लाह कल्ला ते दरख्त भी चंगा नहीं लगता। अल्लाह तेरे खलील दिया सारिया ये दाता तेरे वास्ते अल्लाह मेरिया फरमा बरदारिया तेरे वास्ते अल्लाह तेरी रहमत मेरे वास्ते क्यों नहीं। रब्बे हबली रब्बे हबली मिन सालिहीन ए मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह अपनी जनाब दे विचों अपने इब्राहीम नू पुत्र अता फरमा दे ते अल्लाह पुत्र भी देवी ते नेक देवी अल्लाह पुत्र भी देवी ते ताबेदार देवी। अल्लाह फरमा दे ने फबशर नाउ बेगुलाम मिन हलीम। रब दे कोलो मंगीए ना ते अल्लाह झोलियां दे विच खैर पांदे ने। मरकज उस्मान वालो ते दूर दराज तो आने वाले किताब सुन्नत दे ओ परवाने ओ मिनु ऐस किताब दे ओ तारन वाले दी कसमे मेरे परवरदिगार दे बारगाह दे अंदर देर भी कोई नहीं ते बोलो हनेर भी। मेरे तुआडे मंगन दे विच फर्क हो सकदा बोलो रब दे अता करन दे विच फर्क। उम्र किन्नी गुजरी 86 साल बोलो किन्नी सारे बोलो 86 साल उम्र ते फिर हुन रहमत दा मीह पै रहा है। आवाज आउंदी है फबशर ना हो बेगुलाम मिन हलीम। ए मेरे इब्राहिम जे साडा दवारा नहीं छोड़िया असी पुत्र भी ओ अता करांगे जिदी तबीयत दी कसम अल्लाह आसमान ते उठा रहे। एक तारफ में करवाया जे कौन इस्माइल अलैहिस्सलातो। अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल अता फरमा दिते। अलोगो जिन्ना रब दे करीब ज्यादा होइए उन्नी आजमाइश ज्यादा हुंदी है। पुत्र मिल गया अल्लाह
कि तेरे खलील दियां आजमाइशां हुण मुक गईयां। आवाज आउंदी है नहीं नहीं, असी खलील बनाया इस वास्ते जिवें असी कहिंदे गए साडा खलील मन्नदा गया असी इहदे दर्जे बुलंद कर दे। दुध पींदे गोदी दे इस्माईल ने अज दे जुमे च मैं जिन्हां दा तस्किरा अल्लाह पाक दी तौफीक नाल कर रहे हां, आवाज आउंदी है मेरे खलील। मैं तो कहा करना खतीब दा तसव्वुर कहिंदा है जदों भी वही आउंदी होएगी मेरे खलील हजरत इब्राहिम सज्जे खब्बे वेंदे होंगे अल्लाह हुण केड़ी चीज दी कुर्बानी मकसूद है ते नाल अपनी जुबान तो कहिंदे होंगे लब्बैक या रब जलील लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मैं हाजिर ए मेरे अल्लाह जिवें तुसी फरमांदे गए तुहाडा खलील उवें करदा गया। आ जेड़ा बेटा सारी जिंदगी दियां दुआवां दे बाद मिले है, जी मेरे रब जी की आर्डर है फरमाया अपने बच्चे ते ओदी मां नू जंगल बियाबान दे विच साडे हुक्म ते छोड़ के आ जाओ। जनाबे खलील ने अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ते नन्ने जे इस्माईल नु उठाया अज जिथे अज बैतुल अल्लाह नसीब फरमा दे। वेखो अज हज हो रहे है ते अज अरफात दे मैदान दे विच अल्लाह दे बंदे बंदियां लखां दी तादाद दे विच जमा ने। अल्लाह सानू सारियां नू बार बार अपने घर दी हाजरी नसीब फरमा देना जिथे अज बैतुल्ला है मेरे खलील इथे अपनी बीवी बच्चे नू छोड़ के आ जाओ। मैं तो दसिया करना मेरे खलील अल्लाह दे हुक्म ते थोड़े जे जौ ने थोड़िया खजूरां ने ते मशकीदे दा पानी है अपनी बीवी हाजरा दी गोदी दे विच बच्चा लटा के ते मेरे खलील ने चलना शुरू कर दिता ते मुड़ मुड़ के भी नहीं वेखिया किते बीवी बच्चे दी मोहब्बत अल्लाह दे हुक्म दे माने ना आ जाए ते माई हाजरा पिछे दौड़ दियां ने। इब्राहिम इन्हां जंगल बियाबाना दे विच अपने दुध पींदे मासूम बच्चे ते अपनी बीवी नू तने तनहा क्यों छोड़ के जा रहे हो। जनाबे इब्राहिम ने इंज करके शहादत वाली उंगली आसमान दी तरफे उठाई, नी हाजरा मैं अपनियां मर्जियां दे नाल नहीं मैं ते अल्लाह दे हुक्म ते छोड़ के जा रहा। ते वाह हाजरा अल्लाह साडियां बीबियां भैणां नू ए ईमान किते नसीब फरमा दे। फरमांदियां ने इब्राहिम जे रब दे हुक्म ते छोड़ के जा रहे हो ते चले जाओ अल्लाह जुल जलाल दी कसम है हाजरा दा ईमान है अल्लाह कदे भी सानू जाया नहीं फरमानगे। ए कौन इस्माईल जिदी तरबीयत रब दे हुक्मा दे मुताबिक हो रही है। इंज करके जनाबे खलील टुर दी जा रहे ने ते जदों अखां दे सामने ओ बैतुल्ला दा मुकाम उजल होया ते एक दुआ मेरे खलील ने कीती फरमांदे ने रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरे ज़ी ज़रइन इंदा बैती कल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमु सलाता फज़अल अफ़ईदतम मिनन्नास तहवी मेरे अल्लाह
मैं अपनी औलाद नू जंगल बियाबान दे वे छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह इस वास्ते के मेरे बच्चे नमाजी बन जान, और भी बड़िया दुआवां कीतियां, ते एक शुक्र दी दुआ जनाबे इब्राहिम ने इस मौके ते कीती, आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक इन रब्बी लसमीउ दुआ। रब्बे जवालनी मुकीम सलाती व मिन जुर्रियती रब्बाना व तकब्बल दुआ। रब्बाना गफिरली आमीन कह दिया जे। रब्बाना गफिरली वाली वाली दयाम वलिल मोमिनीन यौमा यकूमुल हिसाब। दुआ फरमा रहे अल्लाह मैं अपने बीवी बच्चे नू जंगल बियाबान दे विच तेरे इज्जत वाले घर दे करीब छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह मेरी औलाद नू नमाजी बना दी, ते 83 सालां दी उम्र दे विच जो इस्माइल मिले सन, ते नाल अल्लाह दे खलील बेटे दी पैदाइश ते अल्लाह पाक दा शुक्र नकल मात दे नाल फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी। आ गुजरन वालियो रब बेटे देवे ते खुसरे ना नचाया करो, अल्लाह औलाद देवे ते पंड ते डूम ना नचाया करो, अल्लाह औलाद देवे ते रब दा शुक्र अदा करया करो। अल्हम्दुलिल्लाह वेख रब दा नबी मैनू ते तैनू तरीके सिखा रहे है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक। सारिया तारीफा रब दे वासे ने जेड़े रब ने मैं इब्राहिम नू बुढ़े वेले पुत्र अता फरमा दिते। क्यों? इन रब्बी लसमीउ दुआ। बोलिए दुआवां सुन वाला कौन? एक अल्लाह वाले नू ना किसे ने सवाल कीता, तवज्जो पुछिया किसे ऐसे बंदे नू जान दे ओ जड़ा मुस्तजाबु दावात होवे, किसे ऐसे बंदे नू जान दे ओ जिदियां दुआवां कबूल हुंदियां ने, ते अल्लाह वाले दियां मारफत वालियां गल्लां। कहन लगे मैनू एहो जिहा बंदे दा ते नहीं पता कि जिदियां दुआवां कबूल हुंदियां ने, मैनू उस जात दा जरूर पता जिहड़ा दुआवां कबूल करन वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम मैनू ते तुहानू अपनी जात दी और इस्मे पाक दी मारफत नसीब फरमा दे। परवाने ओ कुरान दे ओ ऐने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और देखिए कैसिया तरबियतां हो रही ने। कौन इस्माइल? अज लोगो जम जम सवाब दी नीयत दे नाल पींदे हो, इत्थे भी पींदे हो अपनी लज्जत है, ते हरम दे सेन दे विच बैतुल्ला वल मुंह करके खड़े होके पींदा अपना ही मजा है, इत्थे भी पींदे हो ते उत्थे अल्लाह लै जाए सारे नूं आमीन कह दियो। मैं ते पिछले जुमे भी अर्ज कीती सी अड्डी पेप्सी कोले किस कम दे, मंगो टूटियां कूलर जम जम दे, मेरे वग दे हंजू ता थम दे, हरम पौड़ियां फेर चढ़ा मौला, और कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़िए एक ते लख बना मौला,
हाफिज लै के खलील दे डेरे दे लोकी आंदे चार चफेरे दे ओ वावा नशे नी सुबो सवेरे दे साड़ी फेर फ्लैट उड़ा मौला ए मेरे इस्माइल जिन्ना दी तरबियत हो रही है अल्लाह दे कर बैतुल्ला दे करीब इन्हां नूं छोड़ के जा रहे ने कुछ अरसा गुजरिया अल्लाह पाक दे हुक्म ते और जेड़ी गल दस रहा सा इस्माइल ओने जिन्ना अड्डी जमीन ते मारी ते रब ने जमजम दा चश्मा जारी फरमा दिता सिर्फ कुर्बानियां ते इस्माइल याद नहीं आंदे अल्लाह वालो जदों जमजम पींदे हो इस्माइल ओदो भी याद आंदे ने ते जदों सफा ते मरवा दी सही करदे हो इस्माइल फिर याद आंदे ने कुरान पाक ने 12 मरतबा इस्माइल इस्माइल दे तस्किरे फरमाए ने सुनो परवाने हो कौन इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ अरसा गुजरिया नठन खेडन दी उम्र हो गई इथे कबीले आके आबाद हो गए सुबहान अल्लाह हुन हुक्म आया मेरे खलील लब्बई का या रब्बे जलील मेरा घर बैतुल्ला सारे तो पहले फरिश्तिया दे नाल मिलके हजरत आदम ने बैतुल्ला शरीफ की तामीर फरमाई फिर वक्त दे नाल नाल एदा निशान मिट गया ते उच्ची जगह एक रह गई हुन हुक्म होया ए मेरे इब्राहिम पुत्र नसन दौड़न दे काबल हो गया इनू नाल लो ते मेरा घर बैतुल्ला तमीर कर दे हो आ मेरी मस्जिद वेंदे हो ना पुछ दे हो जनाब केड़ा मिस्त्री लगाया सजे किसे इलाके दी इमारत जाके तारीखी नवादरात वेंदे हो ते पुछदे हो केड़ा कारीगर लगा और केड़ा नक्शा नवीस लगा और जदों परवाने हो बैतुल्ला दे विच जांदे हो ते फिर याद आउंदा ए बैतुल्ला ओवे के जेड़ा इब्राहिम मिस्त्री बन गया ते इस्माइल मजदूर बन के बनाया मेरा घर तमीर कर दे ओ मुकामे इब्राहिम दी ज़ियारत फरमाई जे ना ओ जेड़ा पत्थर है हजरत इब्राहिम दे कदमें दे निशान आज भी उथे मौजूद ने ए पत्थर गोदा ते लिफ्टर दा कम कर दे पे आ बाप मिस्त्री बन गया ते बेटा मजदूर बन गया बेटा इस्माइल अपने नन्ने नन्ने कंधियां ते इंज करके पत्थर उठा उठा के बाप नू पकड़ा रहे है ते बाप इंज करके बैतुल्ला दियां बुनियादा ते बैतुल्ला दियां दीवारां उचियां कर रहे ने कम बड़ा अजीम है अल्लाह फरमांदे ने वाइज यरफाउल इब्राहिम कवाइदा मिन अल बैती व इस्माइल लो फिर तस्किरा इस्माइल दा आ गया अलैहिस्सलाम अल्लाह उन्हां ते करोड़ा रहमतां फरमा दे अल्लाह फरमांदे ने वाइज यरफाउल इब्राहिम कवाइदा मिन अल बैती व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अली रब्बना वज्अलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्ब
بھانگا وابواس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز دوویں باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر فرما رہے نے کام میں بھی بڑا عظیم ہے ہن پروانیوں میری شروع والی گفتگو ایک واری دوہرا لے آجے اللہ دے خلیل علیہ السلام نے رب دی راہ دے وچ ہجرت کیتی کم عظیم ہے تے دعا وی عظیم منگ لئی اللہ میں تیری راہ دے وچ گھر بار چھڑ کے آ گیا مینوں نیک پتر نصیب فرما دے اودوں کلے سن تے ہن دوویں باپ بیٹا نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ والے ہو رب نے بچے دیتے نے اپنی اولاداں ول ویکھ کے تے اللہ دا شکر ادا کرے رب دا شکر ادا کریا کرو کہ رب نے تہاڈے بازو تہاڈے بیٹیاں دی صورت دے وچ بنائے اللہ ساڈے بچیاں نو انساناں شیطاناں دے شر تو محفوظ فرما لے اودوں میرا خلیل کلا سی ہن نال دوڑن پجن واسطے اسماعیل وی رب نے عطا فرما دیتا ہے تے دوویں باپ بیٹا رب دا گھر تعمیر کر رہے نے تے نال دعا کر دے نے ربنا تقبل منا مرکز عثمان والو نیکی کریا کر تے اترایا نہ کر ہو سکدا ہے او دی بے نیازی دی ہوا چلے تے تیریاں نیکیاں نو ہبا منصورا کر دے نیکی تھوڑی کرنا ترلا یار بہتا ماریا کر اے میرے اللہ اے نیکی تیری توفیق دے نال کیتی قبول وی کیوں جی قبولیت دی مور کتھوں کہ فیس بک تو چودھری صاحب نے 10 لاکھ دا ویڑا لے آندا ہے فلان صاحب نے کروڑ دی قربانی خریدی ہے اور توں سٹمپ لگوانے سوشل میڈیا تو جدی یاد وچ قربانی کرنا ہے انہاں اپنے عملاں تے مور لگوائی ہے تے رب العالمین دی بارگاہ دی لگوائی ہے کتنا عظیم عمل ہے عام مسجد بنائیے تے جنت دے وچ گھر بندا ہے تے جنہ بیت اللہ بنا دیتا ہے رب ترلا کی ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اور بھی دعاواں فرماندے نے میں شارٹ کٹ کر رہے ہاں آندے نے اللہ سانو حج دے مناسک سکھا دے سبحان اللہ حج کر لئیے نا میں پچھلے تو پچھلے جمعے دسے آسی حج کر لئیے گھر واپس آئیے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے گناواں تو انج پا کے جمعے ماں دے پیٹ چو اجی پیدا ہوئے ہیں دعا کر رہے نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا و من ذریاتنا اے میرے اللہ جویں تیرا ابراہیم تیرا تابیدار ہے اللہ میری اولاد نو وی اپنا تابیدار بنا لے وارینا من اسیکنا تے اللہ سانو حج دے طریقے سکھا دے اللہ سانو حج دے مناسک سکھا دے وَتُبْ عَلَيْنَا نیکیاں کر دیاں اللہ جے کتے کمی کوتائی ہو جائے وَتُبْ عَلَيْنَا اللہ ساڈے تے توبہ والی نظر بھی فرما دینا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تے ایک دعا ہور کیتی بولو ایک دعا میں سمجھنا اے دعا مانگے اے تے سارا کچھ ہی مانگ لے اے دعا مانگی اے تے سارا شاعر نے لکھیا سی
सभी कुछ मांग लिया खुदा से तुझको मांग कर, अरे उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। मेरे ओ नबियो की पे मांग दे ओ, अर्ज कर देने रब्बा नाम वब असफी हम रसूलम मिन हम, अल्लाह असी तेरी अमनिया तू साड़ी मन ले, ते अल्लाह मेरी औलाद दे विचो अपना मुहम्मद पैदा फरमा दे सल्लल्लाहु अलैहि। कौन इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन्हां दा तज़किरा अज दे जुमे दे विच सुन रहे हो, एहो इस्माइल ने जिन्हां दी लड़ी चो फिर रब ने सोने मुहम्मद करीम पैदा फरमाए ने। दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहो। एने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर वक्त गुजरिया, हुन इस्माइल अलैहिस्सलाम दी उम्र पाक 13 साल दी हो गई। मैं शुरू दे विच इकबाल दे शेर दा एक किता अज दे मजमून दा सरमोरा बनाया, सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फरजंदी। आओ मैं दसा, ए बाप अपने बाप दा ताबेदार सी, रब ने पुत्र भी ताबेदार नसीब फरमा दिया। किसे दानिश्वर ने कहा सी, अज दा नाफरमान पुत्र कल दा परेशान बाप बनन वाला है। अज वडेरियां हस्तियां नू सताने, एक वेला आएगा तेनू ए लैन दे देने पै जानगे। तेरह साल उम्र, कौन इस्माइल अलैहिस्सलाम। कुरान फिर वही 23वां पारा सूरत सफात, अल्लाह जल जलाल फरमान देने, फलम्मा बालगा माउसाया, जदो पुत्र बाप दी उंगली फड़ के गलियां दे विच टुरन दे काबिल होया, ते जदों बाप दे मोढे दे नाल मोढा लगा के बाहर निकलन दे काबिल, दौड़ धूप करन दे कोशिश करन दे अपने बाप दा हाथ विटान दे काबिल होया, फलम्मा बालगा माउसाया कालया बुनैया इन्नी अराव फिल मनाव में अन्नी असबाउ का फंजुर माजा तरा का लिया अबातिफ अल मातोमर का लिया अबातिफ अल मातोमर सता ची दोनी इंशा अल्लाह मिन स्वांबेरी हजरत इस्माइल दी उम्र पाक जदों 13 साल दी हो गई, ते फिर सुनिया आ गया मेरे खलील, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू ने एक मौके ते लिखिया सी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावाऊ, अल्लाह तेरिया मर्जियां जिवें दिल कर दई अरशां वाले आ उवें रख लै, सोने अपनी रजा ते नसीब फरमा दे। ना सारे चेहरे हसदे ने,
ना हर एक सूरत रोनी है पंड दुकान दी मोड़े आते जिस टोनी है उस टोनी है भावे बंदा प्या कुछ करे जो होनी है सो होनी है और किते गमा तो छुट्टी मिलती नहीं किते गमा तो छुट्टी मिलती नहीं यके बादी गरे सदमे आंदे ने किते रिश्तेदार फौत हो जांदे ने किते मापे जुदाइयां दे के चले जांदे ने आ किते गमा तो छुट्टी मिलती नहीं कई खुशियां दे विच अटे ने वाह मौला तेरियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने है इकोई वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खटे ने आवाज आंदी है मेरे खलील लबई का या रब्बे जलील की आडर है फरमाया जेड़ा पुत्र मंग मंग के ले आई साडे हुक्म ते एदे गले ते छुरी चला दे जनाबे इब्राहीम अलैहि सलाम अपने बेटे नु उंगली दे नाल लगाया ते जंगल बियाबान दी तरफे चले गए शैतान बेईमान राह दे विच मिले आते बार बार वसवसे डालन दी कोशिश करदा दौड़दा दौड़दा माई हाजरा दे कोल चला जांदा नी हाजरा पता ही पुत्र किथे गया इस्माइल अपने बाबा जानी दे नाल अज सैर करन दे वास्ते गए ने नी हाजरा नहीं नहीं तेरे पुत्र नू अज तेरा खावंद इब्राहीम ज़बा करन दे वास्ते ले जा रहे है ते बीबी हाजरा गो कहन लगी बेईमाना वला कोई बाप अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चला सकदा है ते शैतान अगो आंदा है हाजरा इब्राहीम कहिंदा मैनू रब दा आर्डर है आपे फस गया हाजरा इब्राहीम दा मौकफ है मैनू रब दा आर्डर है ते वाह मां हाजरा कहन लगियां जे रब दा आर्डर है फिर एक इस्माइल की एक हजार इस्माइल होए ते मैं रब दे हुक्म तो कुर्बान आपे फस गया बाबा जी आंदे ने ओ बीजी कनक ते उग बगा ठौंदे बीजी कनक ते उग बगा ठौंदे भावे खालस न्याई दी वंड होवे आ झूठे लाल नहीं वेकदे मंडियां दे विच भावे मगर दलालां दी पंड होवे इत्थों मूह काला करके दौड़िया हजरत इब्राहीम नु वसवसा पान दी कोशिश करदा और जमरात जिते हाजी अल्लाह दे हुक्म दे नाल इस हज दे मौके ते कंकरियां मारने वाले ने ए तीन जमरातों ने जिथे शैतान बेईमान रुकावट पांदा रहा ते रोकदा रहा ते चले गए सदके जावा मिना दे मैदान दे विच ते अपने बेटे नु खलीलुर रहमान ने सामने बिठाया आखिरी बातां बड़ी तवज्जो नाल हुण सुन वालियां ने फरमांदे ने या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बाउका फंजुर माज़ा तरा पुत्रा मैं राती ख्वाब दे विच वेख्या कि मैं तेरे गले ते छुरी चला रहा ते जनाबे इस्माइल नू वी पता है कि मेरा बाप रब दा नबी है ते नबी दा ख्वाब रब दी वही होया करदा है अगों बेटा जवाब देंदा या आबा तिफ़ल मा तोमर अल्लाह साडे बच्चियां नू ऐ किरदार नसीब फरमा दे कुर्बानियां करन वालो कुर्बानियां करने तो पहले किते अपनियां खाशां दे गले ते भी छुरी चला दे और तेरा वडेरा बाप
तेरी बदतमीजी तो परेशान ते तेरी मां दी रोंदे दे दुपट्टे गिले हो जन ते तू लख दो लख चार लख दी कुर्बानी कर रहे है अज दी याद दे विच कुर्बानी कर रहे है आंदे ने या बातिफ अलमा तो मर ए मेरे अल्लाह मेरे मजमे दे विच या दुनिया ते जिथे भी मैनू सुनिया जा रहा है अल्लाह मैं नहीं जानदा तू ते जानना किन्ने मापे ने जड़े औलादां दे हत्थों दुखी ने किन्ने बाप ने जड़े पुत्रां दियां नाफरमानियां दे हत्थों सताए किन्नियां मावां ने के पुत्र जिन्हां दियां अखां दा अथरू बन के रह गए है अल्लाह तैनू तेरी शाने किबरियाई दा वासई कुर्बानी करने तो पहले इन्हां औलादां नू अपने मापियां दा फरमा बरदार बना दे या बातिफ अलमा तो मर अबू जी मेरा हुक्म कीता जांदा उवें कर गुजरो सता जे दुनी इंशा अल्लाह मिन सौंबरी अबू अगर अल्लाह ने चाया तो मैनू सबर करन वाले छुपाओगे जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम ने जो अपने बेटे दियां मुश्कां बेटे दे कहन ते बन लिया ये भी वसीयत हजरत इस्माइल ने फरमाई सी और सत वसीयत नबी इब्राहिम दी खिदमत दे विच अर्ज कीतियां फरमांदे ने पहली वसीयत इस्माइल फरमाई छुरी नू तेज कर लो खलील एलाही तुसी कमजोर मता कटे ना काई होवे तकलीफ मेरे ताई दूसरा हजरत बन लो लता बावां भी मेरिया जिबा दे वेले तड़फा चार चुफेरिया खून ना पै जाए उपर चादरां दे तेरिया बेअदबां दे विचों लिखे आ जावा नाई तीजी वसीयत तुआडी उमर वढेरी है तुआडे हत्थों हुण मौत आ जानी मेरी है सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरी है सबर बगैर चारा नाई चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना मां मेरी नू मेरा चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना मां मेरी नू मेरा सलाम पहुंचावना आन के छेती टुर चलिया परौना ते खिदमत दा मौका मिलिया नाई पंजवी वसीयत हजरत करम कमा दियो लो पड़िया कुड़ता मेरा मेरी अम्मी नू पहुंचा दियो सबर कमावे एहो वसीयत फरमा दियो मैं हुन आउना नाई छेवें जो मेरे साथी मेरे नाल खेल दे फिरने सा इंज जिवें फुल रवेल दे आउन ना मेरे कर खेल दे होवे तकलीफ मेरी अम्मी ताई सतवां जे पुछे बच्चा किथे गवाया आखे ओ जे ओ दे कोल मैं छड आया जो तेथों ते मैथों चंगा रखेगा साया ते कोई तकलीफ आवे नाई ए वसीयत हजरत इस्माइल ने फरमाइया
या अब तिफ अल मातोमर। अब जिमें तुहानू रब दा हुक्म है कर गुजरो। एक नुक्ता नोट करे आजे सताजी दुनी इंशा अल्लाह मिन सबिरी। आज दी वेखो रब दे नबियां च किन्नी ये नहीं आखिया मैं बड़ा सबर करन वाला। फरमाया अबू जे अल्लाह दा हुक्म होया ते सबर करन वाले होर भी बड़े ने, मिन्नू भी तुसी ओना दे विच ही पा लोगे। सुभान कुरान फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु इब्राहिम कद सद्दक तर रोया कद सद्दक तर रोया इन्ना कदाली का नजिल मोहसिनी। आवाज आई मेरे इब्राहिम बस कर दे ओ, बस कर दे ओ, तो साते पुत्र दे गले ते छुरी चलाउन तो गुरेज नहीं कीता। और बदले दे विच फिदिये दे तौर ते अल्लाह ने जन्नत दे विचो एक जानवर भिजवा दिता। ओ दिन ते अज दा दिन अल्लाह दे बंदे अल्लाह दे हुक्म ते अपनिया कुर्बानिया अल्लाह दी राह दे विच ईदुल अज़हा वाले दिन कुर्बान कर दे ने। अल्लाह मैनू ते तुहानू इस बाप बेटे दे किरदार दे उते अमल दी तौफीक नसीब फरमा दे। मेरे बरादर हकीकत बात है वे कुर्बानी दा वाकया सुनने आ कुर्बानी दा जानवर याद रह गया ते जेड़ा बाप बेटे दा मुकालमा होया है जेड़ा डायलाग होए ने असी तुसी ओ भुल चुके आ। अल्लाह उन्हां ते अमल दी तौफीक नसीब फरमा दे। वक्त बड़ा हो गया मैं अल्फाज इक्तिफा करदा खत्म करना। अल्लाह मैनू तुहानू किताबो सुन्नत दी समझ नसीब फरमाए। सदक अल्लाहुल अली अल अजीम व सदक रसूलहु नबियल करीम व नहनु अला जालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।